बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता आलिया। अब कैसे क्या करना यू फिगर इट आउट, क्योंकि जितनी जल्दी तुम्हारी पूरब से शादी होगी ना उतनी जल्दी वो चश्मिश मेरे लाइफ से बाहर जाएगी। और आज जिस तरीके से उसने वो नाटक किया ना भाई, भाई रिलैक्स, आई नो वो क्या कर रही। वो अच्छे से जानती है कि दादी आपकी कमजोरी है और इसी चीज का फायदा उठा रही है। वो जानती है कि जब तक दादी उसकी साइड पर है वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि दादी उसे प्रोटेक्ट करेगी। सिंपल। और दादी को क्या हो गया, हर वक्त उसी चश्मिश का साइड लेती है वो। कन्विंसिंग पावर भाई, कन्विंसिंग पावर। पहले उसने पूरब को कन्विंस करके अपनी तरफ कर लिया और अब वो वही चाल दादी के साथ भी यूज कर रही। तो हमें क्या करना चाहिए आलिया? पहले पूरब को अपने से दूर जाते देखो और अब दादी। And you know how much he means to me. और तुमने देखा कि आज दादी ने किस तरीके से मुझसे बात की। अगर दादी हमें गलत समझेंगी तो ये सब करने का फायदा क्या है आलिया? भाई वो दादी को अपनी ढाल बना रहे हैं ना, तो सिंपल, हम उससे उसी की वो ढाल छीन लेंगे। हमें उसे दादी की नजरों से गिराना होगा। बस एक बार दादी के सामने उसका असली चेहरा लाना होगा भाई, फिर दादी भी जान जाएगी कि कितनी चालाक है वो, कितनी शातिर है। आलिया, do you think it's that easy? हाँ, you don't worry. That's my department. आप बस पूरब को मनाओ मेरे साथ शादी के लिए। ठीक है, मैं पूरब को तुम्हारी लाइफ में लेकर आऊंगा, लेकिन उतनी ही जल्दी तुम्हें उस चश्मिश को मेरे लाइफ से बाहर निकालना होगा। ड्रग्स, उसने तुझे क्यों छोड़ा ये दिख रहा है, लेकिन क्या देख के तुझसे शादी की ये समझ भी नहीं आ रहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी का आज से कुछ ज्यादा ही ख्याल रखूंगा। Why should I leave her? She should leave this house. सुरेश, तुम प्रज्ञा प्लीज फोन मत रखना प्लीज। प्रज्ञा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर आंटी जी थी, तो इसलिए। क्या बात करनी है तुम्हें सुरेश? आज जो कुछ हुआ वो काफी नहीं था क्या? प्रज्ञा, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सुरेश प्लीज, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ा ही तो था प्रज्ञा, सॉरी। देखो प्रज्ञा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज भी जब मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि तुम खुश। वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो चुकी है सुरेश, अब मैं तुम्हें उस खिड़की पर कभी नहीं दिखूंगी। जानता हूँ प्रज्ञा, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया था। क्यों किया था फोन सुरेश? ये कहने के लिए कि मैं खुद को अकेला ना समझूं, कि तुम मेरे साथ, कि मेरी शादी शुदा जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। यही कहना था सुरेश, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, किसी की कोई दोस्ती नहीं चाहिए मुझे। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा है, वो मेरी प्रॉब्लम है सुरेश, तुम्हें इस सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे दूर जाने का रास्ता मैंने चुना था, अब कुछ भी हो मैं उस रास्ते पर चलती रहूंगी, इसलिए प्लीज प्लीज मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, और आइंदा प्लीज मुझे फोन मत कर। क्या हो रहा है ये? मैंने कहा क्या है ये? आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए, सुनाई नहीं दे रहा, म्यूजिक चल रहा है। लेकिन इतना लाउड क्यों है? रॉक म्यूजिक लाउड ही होता है। प्लीज बंद कीजिए सर। मैंने कहा बंद कीजिए इसे। अरे इससे मेरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। भजन सुना कीजिए, मन को शांति मिलेगी।
भजन आदमी को बोर करता है और इस म्यूजिक में सिर्फ शोर होता है। आंखें लगा लो अपनी। हे, आऊं मैं। हे, क्या करिए? इस डंबल से क्राइम करवाओगी? क्राइम? हाँ, अगर इस डंबल को उठाते वक्त तुम्हारी हड्डी वड्डी खिसक गई तो बेचारा इल्जाम इस डंबल पर आएगा ना। अरे वाह, उठा लिया। वैसे जिम जाती हो तुम? तुम्हारी बॉडी को देखकर तो नहीं लगता कि तुम जिम जाती हो, लेकिन तुम्हारी किताबों को देखकर लगता है कि बॉडी तो जरूर बनी होगी। लेकिन इस छतरी के अंदर तो हमारी बॉडी का पता ही नहीं चलता। वो बंद करके एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा असर। मन तो कर रहा है इस डंबल को बेल बनाकर इसके गर्दन पे डाल दूं, फिर ना गर्दन उठेगी और ना आंखें। कैसे नास्तिक हैं ये, न भगवान की कदर है न भगवान के भजन की। मेरा वर्कआउट नहीं हो जाता ना, तुम्हें भजन नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। और मैं कह रही हूं कि इस वक्त भजन चलेगा। ये मेरा कमरा है, ये मेरा मंदिर है। देखो, इसके बाद मुझे अपनी म्यूजिक सेटिंग ले जाना है। मुझे भी पूजा करके किचन का काम करना। ये घर मेरे म्यूजिक से चलता है, तुम्हारे किचन से नहीं। और दोबारा मेरे म्यूजिक के सामने अपना म्यूजिक मत बजाना। भगवान इन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो। क्या दे? कॉफी। कॉफी पियेंगे तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। रॉबिन, 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 मेरी कॉफी का दादी को बोलो कि मेरी कॉफी बनाए। सर, वो दादी को कुछ हो गया है। क्या? क्या हुआ दादी को? सर, वो सुबह से अपना दरवाजा ही नहीं खोल। दादी, 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 दरवाजा खोलो दादी। क्या हुआ? दादी दरवाजा नहीं खोल रही। What? दादी, दादी, दादी क्या बात बोलिए? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आवाज देने से दादी दरवाजा खोलेंगे? दादी, मैं खिड़की पे देख के आता हूँ। दादी दरवाजा खोलिए। दादी, मैं प्रज्ञा, प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी, ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आप ठीक तो है ना? दादी, दादी,
भाई, दादी। दादी, फिक्र न कर, मैं ठीक हूँ। दादी, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया, और प्रज्ञा ने आपको एक बार आवाज दी और आप। दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनाई दी और ना ही किसी और की आवाज सुनाई दी है। प्रज्ञा की आवाज सुनी और मैं आ गई, और आज से कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। जिसने भी आपने कोई बात करनी हो मुझसे, वो प्रज्ञा से बात करेगा, ये मुझे बता देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता? इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, तो मैं बात किससे करूं? इन लोगों का तो पता नहीं मुझे, पर तुम पर मुझे भरोसा है। मैं जो कहूंगी तू करेगी। आज से सिर्फ तू ही मुझसे बात करेगी और कोई नहीं। दादी, दादी, ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सब कुछ जानती है आप मेरे बारे में, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या कब उठता हूँ, कब बैठता हूँ, यहाँ तक कि मेरी कॉफी भी आपको। प्रज्ञा, इसे कह दे घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी बना देगा। हाँ, अगर इसको उनके हाथ की काफी पसंद ना आए, तो फिर इतने शो करता है, इतना पैसा कमाता है, तो किसी भी शो से काफी बनाने वाली दादी भी ले आए। वैसे प्रज्ञा, आज मैंने इस घर में भजन सुना है, कहां से आवाज आ रही थी इस भजन की? दादी, मेरे कमरे से। प्रज्ञा, इसको बोल दे झूठ मत बोले। दादी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? बोलो ना दादी को कि भजन की आवाज। दादी, ये सच बोल रहे, भजन की आवाज वाकई हमारे कमरे से आ रही थी। खबरदार, जो तूने इसके झूठ में इसका साथ दिया, तो नहीं तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगी। एक ही काफी है झूठ बोलने वाला इस घर में। लेकिन दादी, वाकई मैंने ही वो भजन लगाया था, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी ना। आप आराम कीजिए, मैं आरती लेकर आती हूँ आपके। भजन वाले म्यूजिक में रिकॉर्ड कैसे कर सकते? बस क्यों है? सॉरी सर, बोल दिस। भजन चल रही है, रिकॉर्ड करके देख। सॉरी सर, नहीं हो रहा है। आउट। गैब्रियल। समझती क्या हो तुम अपने आप को? बहुत अच्छा लग रहा है ना मेरे साथ ये सब कुछ करके। क्या कहा तुमने दादी से कि दादी मुझसे बात तक नहीं करती? तुम जानती हो ना तुम कि मैं दादी से कितना प्यार करता हूँ। पहली बार दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की। अपने दादी और अपने गानों को यहाँ रखता हूँ मैं अपने दिल में, और जिस तरीके से दादी ने मुझसे बात की है ना, आज पहली बार मुझे यहाँ जोड़ पहुंची। बचपन से लेकर आज तक दादी कभी मुझसे नाराज नहीं थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो लो। लेकिन अगर तुमने मुझसे दादी को दूर करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तो क्या करेंगे? इससे बदतर जिंदगी देंगे, और बदला मैं आपसे नहीं, आप मुझसे ले रहे हैं। मैंने दादी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि
कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रिश्ते बनाना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं। मैं ये जरूर मानती हूँ कि दादी ने मेरी वजह से आपसे इस तरह से बात की। मैं जानती हूँ आप दादी से कितना प्यार करते हो, उनकी कितनी इज्जत करते हो। दादी को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें समझना चाहिए था कि उनकी बेरुखी से आपके दिल में कितना दर्द होगा। किसी पराई लड़की के लिए उन्हें अपने पोते के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनों की दी हुई तकलीफ कभी भुलाई नहीं जा सकती। जानती हूँ मैं आपकी तकलीफ समझती। मैंने आपकी आंखों में नफरत बहुत देखी है, लेकिन आंसू सिर्फ दादी के लिए देखे। जानती हूँ कि आप दादी से कितना प्यार करते हैं। ये भी समझती हूँ कि आपको कितना दुख पहुंचा है सबसे। इसलिए मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो आपसे नाराज ना हो, आपको माफ कर दे। मेरा हाथ सुनिए, हाथ छोड़िए। सॉरी, मैं दादी से बात करके आती हूँ। I'm really sorry. तब तक पूरे खानदान को टकराने की आदत है। भाई, भाई, क्या सोच रहे हो? पता है आलिया, अभी वो चश्मिश मुझसे मिलने आई थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने दादी से जाकर क्या कहा कि दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की, पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि दादी को मुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और दादी को समझना चाहिए था कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, और ये कि मुझे कितना बुरा लगेगा। पता है जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो सच बोल रही है। मैंने जो हर्ट फील किया है वो उसे महसूस कर रही है। मैंने उसकी आंखों में सच देखा है आलिया, और अगर वो सच है तो फिर बाकी सब क्या है? और अगर बाकी सब सच है तो मैंने उसकी आंखों में क्या देखा? दादी दरअसल ये कह रहे थे कि तू चुप कर प्रज्ञा, मैं सब जानती हूं। उसी ने भेजा है ना तुझे अपनी सिफारिश करने के लिए? नहीं दादी, मैं खुद आई थी आपसे बात करने। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप इनसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नाराज होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा? कोई बात नहीं, अब तो उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए। दादी वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आप ही उनसे नाराज हो जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगी? आप जानती है ना दादी उन पर क्या बीत रही होगी कि आप उनसे नाराज हैं, उनसे बात नहीं कर रही। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए ना। प्रज्ञा, प्रज्ञा, तू बीच में मत पड़। देख बेटा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। पोता है मेरा, मेरे पोते और मेरे बीच में तू ना। मैं उसको ठीक कर लूंगी। लेकिन दादी आप कम से कम तू फिक्र मत कर, मैं जानती हूँ ना उसको कैसे ठीक करना। बस पता नहीं दादी कब तक इनसे नाराज रहेंगी। सच ये है भाई। ये क्या है आलिया? The art of hypnotism। वशीकर, आंखों से किसी पर काबू करना। लोग इस आर्ट का तब इस्तेमाल करते हैं भाई जब उन्हें दूसरे लोगों को अपने काबू में करना होता है।
यू नो, आंखों से ऐसे जादू करते और सब लोगों को अपने वश में कर लेते। इट्स क्वाइट एन आर्ट भाई। आई एम श्योर उसने पूरा बर्दादी पर भी यही यूज किया होगा, वरना इतने सालों के रिश्ते में ऐसे दरार पड़ जाना, इट्स नॉट दैट इजी भाई। थिंक अबाउट इट, उस लड़की की शक्ल देखना तक आप पसंद नहीं करते थे, तो फिर आज उसकी आंखों में कैसे देखने लग गए? और जो बातें आपको बकवास लगती थी, आज आप उन्हें भी यकीन कर रहे? Ali, I know what it means. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो चश्मिश इस हद तक गिर जाएगी। But I guess you're right. आज जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मुझे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी और उसकी बातें सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। Thank God, Ali, तुमने मुझे बता दिया। But now I'll never look into her eyes. भाई आप उसकी तरफ नहीं देखोगे, लेकिन वो तो आपकी तरफ देखेगी ना। उससे बचने का बस अब एक ही रास्ता है, हमें उस बहन जी को इस घर से बाहर निकालना होगा। भाई आप पूरब को संभालो, इस बहन जी को मैं संभालती हूँ। जादू करना तो अब इसे मैं सिखाऊंगी।